हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडी। आज हम रिसर्च मेथडोलॉजी के सेकंड यूनिट का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ रिसर्च डिज़ाइन। अभी तक हमने ये देखा है कि रिसर्च की प्रॉब्लम कैसे स्टेट करते हैं, उसके बेसिस पे हम ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस कैसे ले डाउन करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ रिसर्च डिज़ाइन, कि अब जो हम पूरा रिसर्च करने वाले हैं उसका डिज़ाइन कैसे करने वाले हैं। रिसर्च डिज़ाइन में हम बेसिकली रिपोर्ट एक तरह से लिखते हैं, जिसमें हम स्टार्टिंग से हमारा एक्नॉलेजमेंट से लेके जो हमारा प्रिंसिपल होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, एम होता है, उसके लेके हम जो हमारे लास्ट में कंक्लूजन्स आए हैं उसको हम किस तरीके से डिजाइन करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप हमारे क्या स्टेजेस होने वाली हैं, एंड हाउ वी आर गोइंग टू प्रोक्योर दैट स्टेजेस दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन रिसर्च डिजाइन। नाउ रिसर्च डिजाइन्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, दैट इज एक्सप्लोरेटरी डिजाइन, डिस्क्रिप्टिव डिजाइन एंड रिसर्च डिजाइन। जहाँ पे अगर हम बेसिक अगर देखें तो दैट बेसिक इज ऑफ एक्सप्लोरेटरी डिजाइन, जहाँ पे हम ऑलरेडी हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है बट हम उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं। बेसिकली जैसे कि अगर हम कोविड से रिलेटेड बात करें तो अभी पिछले 2 साल हो चुके हैं कोविड का आए हुए या फिर कोरोना वायरस का आए हुए, बट स्टिल देर इज़ अ लॉट दैट वी डोंट नो अबाउट COVID-19 और द कोरोना वायरस। सो अगर उसके बारे में और ज़्यादा किसी को नॉलेज चाहिए तो वो प्राइमरी रिसर्च और सेकेंडरी रिसर्च के थ्रू एक्सप्लोर कर सकता है उस पर्टिकुलर टॉपिक को। सो हम जब एक ही टॉपिक को लेके एक ऑलरेडी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसके बारे में जब हम इन डेप्थ नॉलेज चाहते हैं उसको स्टडी करने के लिए हम बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी डिजाइन। सो इसके जो 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फर्स्ट इज सोशल सिग्निफिकेंस, द टॉपिक और द प्रॉब्लम शुड हैव सम सोशल कन्वीनियंस, बिकॉज अगर वो आपके सिर्फ एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट से रिलेटेड है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर में ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, सो आप उसके लिए आप पूरे वर्ल्ड में जाके रिसर्च नहीं करोगे, आप पूरे इंडिया के ऊपर रिसर्च नहीं करोगे, बिकॉज दैट ड्रेनेज प्रॉब्लम इज ओनली एट योर प्लेस, आपके सिर्फ घर पे है। बट अगर हम बात करेंगे इन्फ्लेशन की, पॉवर्टी की, अनएम्प्लॉयमेंट की, सो जब ये सोशल कॉजेज़ बन जाते हैं, जब ये सिविल कॉजेज़ बन जाते हैं जिसकी वजह से पूरी सोसाइटी इम्पैक्ट होती है, उन टॉपिक्स के ऊपर हम एक्सप्लोरेटरी डिज़ाइन कर सकते हैं या एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द प्रॉब्लम शुड हैव सम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, एज इन जिससे आप कोई कंक्लूजन निकाल सको और जिसके लिए आप कुछ फंडामेंटल्स को इम्प्रूव करके आप उससे एक बेटर सोसाइटी बना सको। चाहे जैसे कि अगर हम कोई जनरली कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, अगर आप कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हो तो इन्वेस्टर सबसे पहले आपसे ये चीज़ पूछेंगे, या आपके जो कंपनी के ओनर्स होंगे, डायरेक्टर्स होंगे, सबसे पहले आपसे ये चीज़ पूछेंगे, व्हाई दिस प्रोडक्ट, वट बेटर इज दिस प्रोडक्ट गोना डू फॉर द सोसाइटी, उनके नीड्स में, वॉन्ट्स में क्या चेंजेस आएंगे, या फिर हमारी लाइफ को किस तरीके से ईज दिया जा सकता है उस प्रोडक्ट से। सो डज दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस हैज सम प्रैक्टिकलिटी इन नेचर और इट डज नॉट। नेक्स्ट थ्योरेटिकल कॉम्बिनेशन, सिर्फ प्रैक्टिकलिटी नहीं होना चाहिए, उसके लिए कुछ हमारे पास ऑलरेडी लिटरेचर सर्वे होना चाहिए, बिकॉज हम इस चीज़ को एक्सप्लोर करने वाले हैं। अब अगर एक्सप्लोर कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि पहले इसके ऊपर ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है या फिर पहले इसके ऊपर स्टडीज़ हो चुकी हैं। अगर उन स्टडीज़ को, उन थ्योरेटिकल मटीरियल को यूज़ करके हम स्टडी रिसर्च को आगे लेके जा रहे हैं, देन वी शुड हैव सम प्रैक्टिकल बैकग्राउंड, एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव उसको बैक करने के लिए कुछ ना कुछ थ्योरेटिकल बैकग्राउंड भी होना चाहिए। लास्टली इट शुड कैरी वैल्यूएबल फैक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल आज जैसे अगर मैं COVID-19 के ऊपर अगर मैं स्टडी करने वाला हूँ और सारी कंट्री के ऊपर इम्पैक्ट कर देखूँ कि पिछले 2 साल में सबसे ज़्यादा किस कंट्री के ऊपर इम्पैक्ट हुआ है, सबसे ज़्यादा किस कहाँ पर डेथ्स हुई हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ पर केसेज आए हैं, तो इनके लिए मुझे चाहिए वैल्यूएबल फैक्ट्स जिनके ऊपर मैं रिलाई कर सकता हूँ। अब जो डेटा मुझे नॉर्थ कोरिया से मिल रहा है या फिर मुझे जो डेटा चाइना से मिल रहा है, क्या मैं उसके ऊपर रिलाई कर सकता हूँ? आई थिंक मैं 100% तो मैं इंडिया के डेटा पे भी रिलाई नहीं कर पाऊँगा। सो हाउ कैन आई डिपेंड ऑन कंट्री लाइक चाइना, नॉर्थ कोरिया और कंट्रीज़ लाइक दैट जो अपने डेटाज ओपनली रिवील नहीं करते हैं। सो जब तक मेरे पास वैल्यूएबल फैक्ट्स नहीं हैं एक्चुअल, जिनके ऊपर मैं 95% एक्यूरेसी के साथ रिलाई कर पाऊँ, अनटिल एंड अनलेस मेरे पास वो डेटा या वो फैक्ट्स नहीं होंगे तो मैं उस रिसर्च को कंटिन्यू नहीं करूंगा। नेक्स्ट कमिंग टू डिस्क्रिप्टिव डिजाइन, जहां पे हम एक्सप्लोरेटरी डिजाइन बेसिकली एक्सप्लोर करने के लिए करते हैं, डिस्क्रिप्टिव डिजाइन हम अलग अलग फील्ड्स में करते हैं, अलग अलग वेरिएबल्स को कोरिलेट या उनके बीच में वेरिएंस निकालने के लिए करते हैं, जिसके मेन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं डिफरेंस इन फील्ड। बेसिकली अगर मैं 2 टॉपिक्स ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल एक मेरा टॉपिक है इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन से मैं रिलेटेड निकाल रहा हूं हेल्थ केयर सेक्टर की एक पॉवर्टी कितनी है उस कंट्री में, या फिर इन्फ्लेशन कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, तो अलग अलग सेक्टर से अलग अलग सेक्टर्स को रिलेट करना, उसमें मैं डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ को लगा सकता हूँ। नेक्स्ट डिफरेंस एंड हाइपोथेसिस, यहाँ पे जो मैं डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन को रखूँगा तब मैं सिर्फ एक हाइपोथेसिस को ले डाउन नहीं करूँगा, बिकॉज यहाँ पे चांसेस जितने ज़्यादा फील्ड्स होंगे ऑब्वियसली उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे प्रोबेबिलिटी के, और जितने ज़्यादा प्रोबेबिलिटी के चांसेस होंगे मुझे उतने ही ज़्यादा हाइपोथेसिस ले डाउन करना पड़ेंगे। लास्टली डिफरेंस टू ऑब्जेक्टिव्स,
फील्ड में डिफरेंस होना चाहिए, हाइपोथेसिस में भी डिफरेंस है, तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव में भी डिफरेंस आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है मेरा रिपरकशन से, जो कंबरसम रिएक्शंस आ रहे हैं जो मार्केट के, अभी अगर हम रीसेंट सिनेरियोज में देखें तो बहुत ज़्यादा मार्केट नेगेटिवली रिएक्ट कर रहा है। जैसे कि अभी RBI ने अपने पॉलिसीज चेंज करी थी, जब उसमें रेपो रेट को बढ़ाया था उसमें मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया, FII और FDI से जो इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं उनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं और उन चेंजेस की वजह से इंडियन मार्केट पे क्या इंपैक्ट हो रहा है। सो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे फील्ड्स अलग हो गए, हाइपोथेसिस अलग हो गए और उनके ऑब्जेक्टिव्स जो ले डाउन किए थे वो भी अलग हो गए। लास्टली रिसर्च डिज़ाइन जो कि हम सबसे ज़्यादा करते हैं मैनेजमेंट फील्ड में, बिकॉज यहाँ पे हमें न्यू प्रोडक्ट इनोवेट करना है, न्यू प्रमोशंस रिसर्च करने हैं, नए प्लेसेस रिसर्च करना पड़ सकती हैं, नए प्रोमोशनल टेक्निक्स रिसर्च करना पड़ सकते हैं, या फिर दूसरे फील्ड से जैसे कि अगर हम फाइनेंस फील्ड में देखें, HR फील्ड में देखें तो उसमें भी हमें रिसर्च करनी पड़ सकती है। अब जब हम रिसर्च डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हम दो तरीके के ग्रुप लेते हैं, एक होता है कंट्रोल ग्रुप और एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। दो ग्रुप इसलिए लिए जाते हैं ताकि हमारे पास कुछ कंपेयर करने के लिए हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने कोई एक नई मेडिसिन डिस्कवर करी है, अब मुझे उस मेडिसिन को टेस्ट करना है, तो मेडिसिन की एफिकेसी टेस्ट करने के लिए मेरे पास दो ग्रुप होने चाहिए। दो ग्रुप कौन से होंगे, एक होगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरा होगा कंट्रोल ग्रुप। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास 10 लोग हैं, 10 लोगों की मैं 5-5 लोगों के दो ग्रुप बना दूंगा, एक को मैं दूंगा, मतलब मान लीजिए मैं 4-5 जो 10 लोग हैं वो 10 लोग डेंगी पेशेंट है, 10 लोगों को डेंगी है, अब मेरे को उन डेंगी पेशेंट्स को मेडिसिन देनी है, तो मैं 5 लोगों को जो मैंने दवाई बनाई है वो 5 लोगों को दूंगा और 5 लोगों को सिर्फ एक नॉर्मल ट्रीटमेंट दूंगा और उनको वो मेडिसिन नहीं दूंगा। फिर एट द एंड में देखूंगा कि कौन से ग्रुप में ज़्यादा चेंजेस आए हैं। अगर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जिनको मैंने दवाई दी थी अगर उनके अंदर ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं तो ऑब्वियसली मैं ये समझूंगा कि जो मैंने दवाई बनाई है उसकी एफिकेसी ज़्यादा है। बट अगर कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है, तो यहाँ पे मैं कंक्लूड नहीं कर पाऊंगा या मैं 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं बोल पाऊंगा दैट माई रिसर्च वॉज अ सक्सेस, कि मेरा हाइपोथेसिस ट्रू था। सो इसके लिए मेरे को दो ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं ताकि मैं उनको कोरिलेट करके दोनों को ही स्टडी कर पाऊँ। सिमिलरली अगर हम मार्केटिंग फील्ड में देखें तो मार्केटिंग में भी हम दो बेसिक वेरिएबल्स अगर हम देखें तो डिमांड एंड सप्लाई हो सकता है, डिमांड एंड प्राइस हो सकता है, जिनके बीच में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आते हैं। मतलब अगर एक चीज़ इंपैक्ट होगी तो ऑब्वियसली उसका कैस्केडिंग इंपैक्ट दूसरी चीज़ पे भी पड़ेगा और को रिलेट करते हुए वो तीसरे को भी इंपैक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम अभी करंट सिनेरियो देखें तो इंडिया में नहीं वर्ल्ड में इनफैक्ट जो करंट सिनेरियो चल रहा है वहां पे सप्लाई चेन बहुत ज्यादा डिसरप्टेड है। अगर हम सिर्फ एक चीज की बात करें जैसे कि ऑयल हो गया, तो ऑब्वियसली यूक्रेन रशिया क्राइसिस की वजह से ग्लोबल शॉर्टेज हो चुकी है ऑयल की और जिसकी वजह से प्राइसेस हाई हो चुके हैं। अब वहां पे अगर सप्लाई चेन कम हो गई है और डिमांड तो ऑब्वियसली उतनी ही है, ऐसा तो था नहीं कि वॉर के पहले बहुत कम डिमांड थी और अब बहुत ज़्यादा हो चुकी है या बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर चुके हैं, ऐसा बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आया डिमांड में। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम दो ग्रुप्स को डिवाइड कर दें तो दोनों ग्रुप्स में हम ये देखेंगे कि सप्लाई चेन की वजह से दोनों ही ग्रुप्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन क्रिएट हुआ है और बहुत ज़्यादा डिमांड में फॉल आया, इस वजह से प्राइजेस भी इंक्रीज हुए हैं। सो यहाँ पे हम तीन वेरिएबल्स को एक साथ स्टडी कर सकते हैं इन रिसर्च डिज़ाइन। सो देर इज़ नो लिमिटेशंस टू द वेरिएबल्स, आप चाहें तो अपने वेरिएबल्स बढ़ा भी सकते हैं, बट रिसर्च डिजाइन में जनरली दो वेरिएबल्स लिए जाते हैं।